अगर आप लोगों ने अपना एक पॉडकास्ट बना लिया है और उसे अपलोड भी करने वाले हो, तो अपलोड करने से पहले आप लोगों के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा करना, वो है एक SEO करना, यानी कि आपका जो पॉडकास्ट है उसमें एक SEO करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग अपना नया नया पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, ठीक है, नया पॉडकास्ट में कोई जल्दी सुनने के लिए तो आएगा नहीं, ठीक है, तो जरूरी क्या है कि आपको गूगल से या जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनसे ट्रैफिक मिले। सर्च इंजन का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पर गूगल। गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है बल्कि वो एक सर्च इंजन भी है, वहां लोग चीजें सर्च करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर अगर आपका पॉडकास्ट लिस्टेड मिलेगा तो लोग आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे, पर अगर आपका पॉडकास्ट दुनिया में कहीं और मिली ही नहीं, सिर्फ आप अपने दोस्तों को ही या रिश्तेदारों को ही, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, मैसेज के जरिए, या फिर क्या बोलते हैं अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को, या जो भी है जैसे भी है, पर डायरेक्ट अगर आप भेज रहे हो तो शायद उतने सारे लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा जितने की आपको एक्चुअली जरूरत है पॉडकास्टिंग से पैसे कमाने के लिए। तो जरूरी है कि आप अपने पॉडकास्ट का SEO करो। अब SEO का मतलब क्या होता है, तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकता हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बड़ा पार्ट है इंटरनेट की दुनिया का। मैं ऑलमोस्ट डेली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज के लिए हो, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज को एक टैग देने के लिए ऑनलाइन, मैं भी SEO डेली लाइफ में करता हूँ। तो SEO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चाहे जितने भी प्रकार के पॉडकास्टिंग ऐप्स हो, उन सभी ऐप्स के अंदर में आप लोगों को दो जगह मिलती है आपके जो पॉडकास्ट है उसका SEO करने के लिए। एक होता है उसका टाइटल और दूसरा होता है उसका डिस्क्रिप्शन। टाइटल में आप हमेशा क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखियो, टाइटल के अंदर में सबसे पहले तो आपको वो वर्ड्स लिखने चाहिए जो आपके पॉडकास्ट को मतलब बताते हैं कि आपका पॉडकास्ट किस बारे में है। लाइक ये जो वीडियो है, अगर मैं इसे एक ऑडियो पॉडकास्ट की तरह अपलोड कर दूं तो ये कहलाएगा SEO फॉर पॉडकास्ट, ठीक है, या फिर हाउ टू डू SEO ऑन पॉडकास्ट एपिसोड्स, इस तरह का जो मैं टाइटल है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा जो चीज़ मैं उस टाइटल के अंदर डाल सकता हूँ, अगर जगह फिर भी बच गई है तो मैं उसमें डाल सकता हूँ अपने पॉडकास्ट का नाम, या फिर अगर मैं कोई सीरीज चला रहा हूँ तो उसका नाम, एंड उसके बावजूद अगर और थोड़ी सी जगह बच जाती है तो अपने पॉडकास्टिंग चैनल का नाम, अगर मेरा छोटा सा नाम है जैसे कि टेक एंथ है, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। ये डालने से क्या होगा कि एक तो टॉपिक आ गया, ठीक है, उसके बाद में सीरीज आ गई, और उसके बाद में चैनल का नाम आ गया। तो इन तीनों ही चीज़ों से अगर रिलेटेड कुछ भी कोई सर्च करता है गूगल पे, तो आपका जो पॉडकास्ट है वहां दिखने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में टाइटल में आप बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। मतलब बहुत सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको 500 से लेकर 5000 कैरेक्टर्स तक की जगह देते हैं लिखने के लिए, मतलब आप एक पूरा आर्टिकल छाप सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले की जो 5 लाइनें हैं, मतलब एटलीस्ट 2 लाइनें आपको लिखनी चाहिए अपने पॉडकास्ट के बारे में, पर एटलीस्ट जो 5 लाइनें हैं वो लिखो कि आपने जो पॉडकास्ट बनाया है वो किस बारे में है, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और उसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली आपने जो टाइटल में लिखा है ना, उसके अराउंड ही होना चाहिए, और आपका जो मेन कीवर्ड है, यानी कि जैसे कि SEO फॉर पॉडकास्ट इस वीडियो के लिए, इस ऑडियो पॉडकास्ट के लिए होगा, तो SEO फॉर पॉडकास्ट अलग अलग जगह यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन का शुरुआत कर सकता हूँ SEO फॉर पॉडकास्ट, फिर कोलन लगा सकता हूँ, और फिर लिख सकता हूँ कि If you are trying to do SEO for podcast, this video or this audio podcast will help you doing SEO on all of your podcast episodes. देखा कितना easy है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, SEO कई बार आ गया, podcast कई बार आ गया, for podcast कई बार आ गया, episodes भी आ गया। तो इस सब से मिलके जो SEO है, यानी कि जो actual search engine optimization है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखो किसी भी पॉडकास्ट के लिए, तो कम से कम 5 लाइन तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं, और उन 5 लाइनों में कम से कम 2 से 3 बार आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, और उसके बाद में उस कीवर्ड के अराउंड जो चीज़ें हो सकती हैं वो भी 8-10 भर दो। भरना मतलब नेचुरली भर दो, ये नहीं कि बस लिखते चले जाओ SEO फॉर यूट्यूब पॉडकास्ट, SEO फॉर पॉडकास्ट, ऐसे नहीं। जो नेचुरली हम जब बात करते हैं तो उस बीच में जो SEO फॉर पॉडकास्ट आता है, उस तरीके से आप लोगों को अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखना है, कम से कम 5 लाइन में तो लिखना ही है, और मैक्सिमम आप जितना लिख दो उतना अच्छा। अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखो, जैसे कि SEO फॉर पॉडकास्ट हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब SEO फॉर पॉडकास्ट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू रैंक पॉडकास्ट ऑन सर्च इंजन विद SEO, ये भी SEO फॉर पॉडकास्ट का मतलब ही है ना, मतलब ये उसी का दूसरा वेरिएंट हो गया। तो अलग अलग वेरिएंट को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो पॉडकास्ट है उसका SEO कर सकते हो। और अगर हो सके तो अगर आप जो एपिसोड अपलोड कर रहे हो उसमें आपको किसी
मतलब आपका जो पॉडकास्टिंग ऐप है, अगर आप एंकर के अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप लोगों को हर पॉडकास्ट के लिए एक थंबनेल डाउनलोड लगाने को मिलता है ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका थंबनेल है ठीक है उसमें भी आपका कीवर्ड किसी तरह से लिख दो। अब जैसे ये जो वीडियो है इसका थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा था, SEO फॉर पॉडकास्ट या फिर हाउ टू डू पॉडकास्टिंग SEO, ऐसे टाइप की चीज़ें ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी थी तो इसका मतलब है कि जो अब YouTube का एल्गोरिदम है, एक तो मैंने बार बार SEO फॉर पॉडकास्ट बोला है, दूसरा मेरे थंबनेल में भी SEO फॉर पॉडकास्ट है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी SEO फॉर पॉडकास्ट है, और क्योंकि पॉडकास्टिंग के बजाय यहाँ पर YouTube पे टैग्स का भी ऑप्शन मिलता है तो टैग्स में भी SEO फॉर पॉडकास्ट है। यानी कि यहाँ चार तरीके से मैंने YouTube को ये समझा दिया है अच्छे से कि मेरा वीडियो SEO फॉर पॉडकास्ट के बारे में है। सोचो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, ये एक लाइन, एक इतनी सी लाइन में इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब YouTube को ये मानना पड़ेगा कि इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है SEO फॉर पॉडकास्ट के बारे में वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। वो एट लीस्ट कम से कम 10 गुना ज़्यादा बार YouTube पर लोगों को इस वीडियो को सजेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा SEO बिल्कुल अच्छे से हो गया है, और यही आपको अपने पॉडकास्टिंग एपिसोड्स के साथ भी करना है। जब भी आप अपना नया पॉडकास्ट एपिसोड अपलोड करो, हर पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर आपके सबसे पहले जो टाइटल में होगा वो आपका कीवर्ड होना चाहिए, दूसरा आपका सीरीज़ का नाम होना चाहिए, उसका तीसरा और आखिरी जो हो वो आपके जो पॉडकास्टिंग चैनल का नाम है छोटा सा वो होना चाहिए, या फिर आप अपना खुद का नाम भी वहाँ डाल सकते हो। और फिर डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, सबसे पहले कीवर्ड लिखना है, फिर कीवर्ड के बाद में उस कीवर्ड के अराउंड चीज़ें लिखनी है, उस पॉडकास्टिंग में किस चीज़ के बारे में बात की है वो लिखनी है, जिस सीरीज़ के अंडर वो अपलोड हुआ है वो क्या क्या कर रहा है उसके बारे में लिखनी चाहिए, और फिर आपके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए, और चैनल के बारे में जो पॉडकास्टिंग चैनल है उसके बारे में लिखी होनी चाहिए। ऐसा हो इससे क्या होगा कि आपका SEO जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके जो लिसनर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोग गूगल पे ढूंढ ढांड के आपको सुनेंगे और वहाँ से लोगों को शेयर करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपके पोटेंशियल लिसनर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी SEO कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है और आपको लगता है कि ये वर्क करने वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट के बजाय इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो, मैंने पॉडकास्टिंग के ऊपर सब बताया है ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे आप पॉडकास्टिंग से पैसे कमा सकते हो ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन सिलेक्शन पूरा का पूरा सब मतलब करके रखो यार, ताकि नेक्स्ट वीडियो देख सको ठीक है। आई होप सो आप करेंगे। मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।